नहीं कुछ कुछ लगती और कुछ बोलना होता था नहीं नहीं बोलते मैं अगले हफ्ता के तौर पे सत्यदीप है हमारे साथ, वो जर्नलिस्ट है, आउटलुक में लिखते हैं और जगह भी अन्य जगहों में उनका लेख छपता है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं मेरा इंट्रोडक्शन में थोड़ा गड़बड़ है, मैं डेस्क पे ही काम करता हूँ तो मेरे लेख पे से आपको नहीं मिले यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया के वजह से सबके साथ जे एन यू में, खासकर जब से और पिछले फरवरी 9 के बाद से जो हो रहा है उस सबके वजह से बादशाह के साथियों के साथ बातचीत हुआ, उनको लगा कि ये यहाँ आके बोलना चाहिए, तो एक तो ये एक ऑनर की बात है कि यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी तक जो चारों तरफ हो रहा है उसको देख के, और अभी खास करके जब रफीक की बात हम सुनते हैं, तो फिर ये लगता है कि सब कुछ जो हमारे नाम पे हो रहा है, मैं क्योंकि हिंदू घर में पैदा हुआ तो, और तो ये सारा कुछ एक तरह से जैसे खुद अपना कुछ हाथ है इन सब चीज़ों में, जो जिसका भार कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पड़ रहा है। जो संख्या में कोई कम संख्या नहीं है हमारे देश के लोगों में, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, और सारा कुछ हो रहा है हमारे नाम पे, और जिसे हमारा देश कहते हैं उसके नाम पे। तो पहली बात कि जैसे ही खुद को किसी, जैसे इनके अगर इनके जगह खुद को सोचने की कोशिश करें तो वो पूरी तरह से सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि फिर जिस तरह का डर लगता है उसमें मुझे नहीं लगता कि दिन ब दिन जो ज़िंदगी मेरी चल रही है वो ऐसे चल पाए। तो जो हमारे सामने खड़ा है सबसे बड़ी चीज़ ये राजनीति, कोई किसी की रक्षा की, गाय की या किसी और की रक्षा की राजनीति नहीं हो सकती, ये मुख्यतः डर का राजनीति है। इस वजह से कानून जब लाए जा रहे हैं, ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसके दायरे में जो बहुत सारे लोगों के लिए लगातार उनकी ज़िंदगी जीने के प्रयास में ही उनको हमेशा ये डर रहेगा कि कहाँ पे कानून का भंग हो रहा है, कहाँ पे बिना कानून को मानने की हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी हमें क्रिमिनल्स के तरह बहुत इतने बड़े गुनाहगार की कोई भी, जिसके लिए कोई कोर्ट कचहरी की भी ज़रूरत नहीं, लोग वो लोग आके मार सकते हैं जो लोग वही काम कर रहे हैं जिसको अच्छा बोलते हुए लोग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे जगह पे भी पहुंच रहे हैं। वो अभी हो सकते कोई ऐसे पोस्ट में रह के ये तो बोल नहीं सकते कि किसी को ऐसे लिंच कर देना, घेर के पीट के मार देना सही है, लेकिन उस बात का कितना ज़्यादा मोल है वो उसी से पता चलेगा कि जहाँ पर वो हैं वहाँ पहुँचने के लिए जिस राजनीति के तहत ही वो पहुँचे हैं, उस राजनीति में इस तरह का डर देश के बहुत बड़ी आबादी के मन में बना रहे उसका कितना बड़ा भूमिका रहा है। तो अगर गुजरात में 2002 में जो हुआ वो करने के बाद कोई भी पार्टी उसके बाद उसी राज्य में लगातार जीतती रहे, उसके बाद पूरे देश में जीते, तो ये सिर्फ इसी कॉस्ट पे हो सकता है कि एक पूरा समुदाय जिस अपनी ज़िंदगी के लिए भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, जो हो रहा है देश में किस तरह की राजनीति चलेगी, शासन किस तरह का होगा, उसमें उनकी कोई भी हस्तक्षेप, अगर मतलब कोई भी हस्तक्षेप को
पूरी तरह से असंभव बना दिया जाए तभी ही ऐसा शासन चल सकता है, स्टेबल स्थिर होके चल सकता है। तो वो स्थिरता शासन का सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत किन लोगों की है, शासन के माध्यम से क्या क्या ऐसे काम कराने हैं जिसमें स्थिरता की इतनी ज़रूरत हो कि एक बहुत बड़े आबादी की ज़िंदगी को बुरी तरह से डेंजर में डाल दिया जाए। जाहिर है वो वही लोग होंगे जो जो देश के कानूनों में, देश के इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में वैसे जिस तरह के बदलाव लाना चाहते हैं और ला रहे हैं, ये मतलब कोई मैं बोलने से ऐसा लग रहा हो कि कुछ बहुत नया कोई नई बात होने वाली है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं। जो चल रहा है वो बस बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि ये मालूम है कि जब आप लोगों के आजीविकाओं पे हमला लगातार करते रहेंगे तो लोग बाकी किसी भी चीज़ के लिए दूसरों के दुख दर्द के वजह से लोग शायद डर के मारे आपके सामने ना आए, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी की बात आती है तो लोग फिर किसी के सामने भी जिस हद तक संभव हो खड़े होते हैं। तो अगर लोगों को आपस में उस तरह से ना बांटा जाए जिस तरह से बांट के अंग्रेज़ों ने इतने साल यहाँ शासन किया, तो सरकार के बहुत सारे काम रुक सकते हैं, क्योंकि फिर लोग जैसे ही लोग ये समझने लगेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी जीने के लिए जो जो ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह का माहौल चाहिए और किस तरह का आपकी अर्थनीति चाहिए और वो अर्थनीति के खिलाफ हो रही चीज़ों को का विरोध करना भी क्यों ज़रूरी हो सकता है, ये लोग तभी सोच सकते हैं अगर उनके सामने उनके अपने ही अंदर हमारे ही समाज में ब्राह्मणवाद के वजह से जो अपनी जाति के अलावा बाकी हर किसी को अपने से बराबर अपना बराबर ना मानना, और बराबर ना मानने का मतलब है एक तरह से अपने रेस का ही ना मानना जैसे कि कोई दूसरा स्पीशीज़ है, जहाँ पर इस तरह का माहौल ज़मीन पर ही पहले से है वहाँ जाहिर है जो भी लोगों को बांटना चाहेंगे उनका काम बहुत ही आसान हो जाता है। और जब सरकारी तंत्र ही अंग्रेज़ों के टाइम से इस किस्म का बना हुआ है जो कि लोगों की आवाज़ को दबा सकता है, तो हमेशा ही कुछ एक जो बड़ी आबादी जिन लोगों की है जैसे हिंदुओं की है, तो हिंदुओं के नाम पे कुछ भी किया जाए उस सरकार कभी भी उस राजनीति के खिलाफ, कोई भी सरकार हो चाहे ये जैसे पहले कांग्रेस की सरकार रही है या किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, वो उसके खिलाफ कभी भी पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो बना ये पूरा तंत्र ना सिर्फ सरकार बल्कि बाकी सारा कुछ जैसे पुलिस में जो लोग ब्यूरोक्रेसी में है मतलब तमाम अफसरान, उन सब के अंदर भी अगर ज़िंदगी की सोच इसी किस्म का है कि बहुत आसानी से हिंदू होने के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है अपने साथ हो रहे दिन ब दिन के समस्याओं को दरकिनार करते हुए भी, मतलब एक आदमी जो लगातार पुलिस से एक दिल्ली में जैसे सड़क पर ठेला गाड़ी चलाने वाला कोई उसको रोज़ पता है कि पुलिस और जनता के बीच में किस किस्म का संपर्क है, उसके ऊपर पुलिस की दादागिरी एक आम बात है, लेकिन जब इस राजनीति का जहर कुछ इस किस्म का है कि वो भी ये मानने लगता है कि चाहे कुछ भी हो पुलिस अगर बहुत पुलिस का ताकत अगर फुल हो उसको अगर उस पर अगर कोई बेरोक टोक कोई भी रोक टोक ना हो तब हमारा ही अच्छा है, क्योंकि हमें खतरा उन लोगों से है जो कानून तोड़ रहे हैं। और कौन वो कानून तोड़ रहे हैं? मुसलमान कानून तोड़ रहे हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं वो कानून तोड़ रहे हैं, वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें लोगों के बीच में
जब सरकारी जब उन लोगों से आने लगे जो हर जगह जीत रहे हैं, जिनको एक बहुत बड़े तबके का सपोर्ट मिल चुका है, तो उनके सामने वो लोग जिनको ये सारी बातें सही भी ना लग रही हो, जिनको जो ये ना मानते हों कि सचमुच हमारे ही जैसे दूसरे धर्म के लोग, दूसरी जाति के लोग, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो हम खुद नहीं टॉलरेट कर सकते, ऐसे सोचने वाले लोग भी ये जो डर का पूरा माहौल है वो उन लोगों को भी ये चॉइस ये चुनने के लिए मजबूर कर देता है कि जो ताकतवर है उसी के साथ में रहो। तो पूरी राजनीति ताकत और डर पैदा डर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और उसमें हम लोगों का फिर क्या भूमिका बनती है वो इसी से देख सकते हैं कि अभी पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा इस सब के खिलाफ जो प्रतिरोध की आवाज़ उठी वो या तो जो लोग सीधी तरह से पीड़ित हैं उनके बीच में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफों के बावजूद, बहुत सारा अत्याचार के बावजूद कहीं कहीं वहाँ से उभरती है, या तो फिर वो ये कुछ कैंपसेस में से उभर रही है जहाँ अभी तक पूरे तरह से आरएसएस का आरएसएस का वर्चस्व कायम नहीं हुआ है, और इसलिए ये लड़ाई जैसे जैसे अखलाक को मार दिया गया, तो जो पहले कभी सोच नहीं सकते थे ये मान के चलते कि जेएनयू कुछ खास एक आइलैंड है जहाँ पे समाज में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बातें तो होती है लेकिन झेलना नहीं पड़ता, वो चीज़ भी ख़त्म हो गया जब नजीब को यहाँ से गायब कर दिया गया। तो अब ये मानना कि यहाँ पढ़ रहे बच्चों की ज़िंदगी और पहलू खान के परिवार के बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये अब एक तरह से बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो अंतर तभी तक है जब तक आप अभी के ताकतवर जो लोग हैं, जो फासीवादी लोग हैं, उस राजनीति के या तो आप कितना चुप रहते हैं, उसके विरोध कुछ ना बोलते हैं ना करते हैं, या फिर उसके खुद ही उसके समर्थक बन जाते हैं। इसके अलावा जो ये नहीं कर रहा है वो चाहे कहीं भी हो, अब मुझे नहीं लगता कि खतरा किसी से भी बहुत दूरी पर है, और उसमें फिर मेरे हिसाब से देख के तरीका यही लगता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग उस खतरे को झेल रहे हैं यानी अभी के समय में, वो मुसलमान और दलित ही होंगे जिनको आपस में लड़ाने की कोशिश भी इसी मुहिम का हिस्सा है। उन्हीं लोगों के साथ अगर यहाँ का छात्र समुदाय जुड़ पाता है और उनके लड़ाइयों का हिस्सा बन पाता है, तभी हम ये फासीवादी ताकतें जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को केवल फासीवाद में ट्रेनिंग देने के संस्थानों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हैं, और फासीवाद को जिस किस्म के ट्रेन मैन पावर चाहिए जिससे मेक इन इंडिया हो सकता है यानी विदेशी कंपनियां यहां पर मुनाफा कमा सकती हैं, उस तरह के कोचिंग सेंटर्स में तब्दील करने की जो कोशिश हो रही है वो लड़ाई आगे तभी बढ़ सकती है अगर जो लोग पीटे जा रहे, मारे जा रहे, जिनके ज़िंदगी में अभी डर से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई और, मतलब जब सरकार के बारे में सोचें या आजकल राजनीति के बारे में सोचें तो उससे डर और वो डर से कुछ गुस्सा ज़रूर आता होगा, तो डर और गुस्से से ही मुझे लगता है बहुत देश का बहुत में बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हैं। अब उस चीज़ को अगर हमारा छात्र समुदाय उसको क्योंकि समझ सकता है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही है जिस समाज में हम रह रहे हैं वो उसको समझना, तो अभी उसको समझने में यही है कि क्यों एक कुछ कई पर्टिकुलर घरों में पैदा हुए लोग उनके लिए क्यों इतना ज़्यादा डर, क्यों पूरा क्यों सरकारी तंत्र उनके साथ उनका अपना होने का मतलब कोई तरीका नहीं है कि मैं बता सकूं कि पहलू खान के परिवार ये विश्वास करें कि हमारे देश में किसी तरह का जनवाद है
जहाँ पर उनके बात भी सुनी जाती है और उनके साथ खड़े होने वाले लोग वो लोग होंगे जो कि सरकार की पॉलिसीज़ में कोई खास और सरकार के लोगों के साथ रिश्ते में कोई खास फ़र्क ला सकते हैं। ऐसे बोलने के लिए अभी हमारे पास मुझे नहीं लगता वो जगह भी बची है, मतलब इतनी शर्मिंदगी के जगह पे हम खड़े हैं। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे सामने बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई है और इस लड़ाई में एक साथ होना और उस लड़ाई में ये देखना कि सबसे ज़्यादा उसको झेलने वाला जो झेलने वाले जो लोग हैं उन लोगों के बात को ही समझकर और पहले उनकी समस्या का हल किस राजनीति से कैसे निकल सकता है उसी संदर्भ में अगर सोचा जाए तभी हमारे अपने समस्याओं का हल भी एजुकेशन मतलब शिक्षा का भी के अंदर जो बदलाव लाए जा रहे हैं उसको रोकने का रास्ता भी उसी में से निकल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।